हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शोज ब्लॉग्स। और ये जो वीडियो है, मैंने ऑनेस्टली बोलूँ बहुत लेंदी हो चुका है, आई नो, क्योंकि आप लोग थोड़ा बोर हो जाएंगे कि इतना बड़ा वीडियो 20 मिनट्स का। तो फ्रेंड्स सॉरी, मतलब क्या करें, मतलब सब इश्यूज को एक साथ बोलने में और उनका सोल्यूशन, थोड़ा बहुत सोल्यूशन बोलने में तो टाइम तो लगेगा ही ना। तो एक बात मैं गारंटी कर सकता हूँ कि ये वीडियो को देखकर आप डिसएग्री नहीं करोगे, हर एक पॉइंट पे एग्री करोगे कि हाँ भाई ये होता है, ये पॉइंट इस गाड़ी में समस्या है, ये प्रॉब्लम सारे गाड़ियों में है, थंडरबर्ड में है या दूसरे सभी आर के मॉडल्स में है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगे। तो मैंने वीडियो में सारे मेन कॉन्स, जो नेगेटिव पॉइंट्स है मैंने बाइक में फेस किया है, सबको मैं एक्सप्लेन किया, डिटेल सब में एक्सप्लेन किया है। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो एंड में एक बड़ा सा थम्स अप दे दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अपना कोई क्वारीज हो या कुछ जानना हो, और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जो लोग थंडरबर्ड खरीदना चाहते हैं सामने या खरीद हुए हैं, और जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे छोटे मोटे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, हाँ ये थोड़ा बड़ा है बट पहले वाले छोटे छोटे हैं, तो ऐसा इन्फॉर्मेटिव बनाता रहता हूँ और आगे देखते रहिए। सो गाइज फाइनली, तो मैं फर्स्ट वीडियो को शुरू करूँगा नेगेटिव पॉइंट से, जिन जिन इश्यूज़ मैंने फेस किया है बाइक में उन सबसे मैं शुरू करूँगा। लगभग 10-12 इश्यूज़ है, वो कॉमन है इस बाइक में, कॉमन इश्यूज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर वीडियो में थोड़ा बहुत विंड का नॉइज़ आ रहा है तो उनके उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई माइक्रोफोन नहीं है, जो है कैमरा का माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हुआ है, तो विंड का साउंड थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है, उसके लिए सॉरी। तो स्टार्ट करता हूँ, पहले फर्स्ट पॉइंट वो है बॉल रेसर्स से। तो फर्स्ट है ये बॉल रेसर्स, थंडरबर्ड का एक बहुत बड़ा इशू है ये इन बॉल रेसर्स का। तो क्यों वो बता रहा हूँ मैं आपको, थंडरबर्ड का जो ये बॉल रेसर का जो पार्ट है वो एक्सपोज रहता है, ये पार्ट और ये वो एक्सपोज रहता है। तो इनका इशू होता है कि जब भी आप बाइक को वॉश करवाते हो बाहर से या कहीं से भी, तो इन जगहों से पानी घुस चला जाता है और पूरा इशू बॉल रेसर ख़राब कर देता है। ये मेरा चौथा बॉल रेसर है बाइक, मतलब 3 सालों में ये चौथा बॉल रेसर है मेरा। मेरा लास्ट 6 महीने में 2 बार चेंज हो चुका है बॉल रेसर, ये फ्लाइट का साउंड के लिए सॉरी फिर भी। तो ये है बॉल रेसर का इशू, तो इनसे आप बच के रहिए। बचना इनसे बचना एक ही तरीका है, आपको बाइक कम से कम वॉश करवाना पड़ेगा, और अगर वॉश करवा भी लिया आपने, अगर आप इनको बचाना चाहते हो बॉल रेसर का इशू से आप बचना चाहते हो, तो इसका एक ही तोड़ है, वो है बाइक को वॉश कम करवाना है। और अगर आप वॉश करवाते हो भी तो इस पार्ट को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि थंडरबर्ड का बॉल रेसर का ये एक इशू है, क्लासिक में नहीं है, क्योंकि क्लासिक में इस पार्ट थोड़ा बहुत कवर्ड रहता है, ये एकदम ओपन है, एक्सपोज है, यहाँ से दिखता है, तो यहाँ से पानी चला जाता है अंदर। देखिए अभी भी मेरा यहाँ पे ग्रीस लगा हुआ है। ये है फर्स्ट। सेकेंड, स्पीडोमीटर वाइब्रेशन। आप लोगों ने देखा, जो लोग थंडरबर्ड का ओनर है उनका एक इशू है, सब कंप्लेन करते हैं कि बाइक जब चलता है तो ये वाला पार्ट हिलता है, स्पीडोमीटर हिलता है। तो बेसिकली इसका मतलब एक छोटा सा एक आइडिया यहाँ से हाँ आ गया। तो ये मेरा जो बाइक था जब 2016 में खरीदा था, उस टाइम के मॉडल में या ये जो एंगल है या ये वाला, ये 3 होता था, ये 1 वाला, ये 2, ये 3, मतलब ऐसा कनेक्ट होता था। वो क्या होता था, यहाँ से जॉइंट से वो रस्ट खा के टूट जाया करता था। तो मेरा ऑलरेडी एक बार चेंज हो चुका है। अरे बाप रे, कितना चिल्लाता है। तो उन मेरा मैकेनिक था, उन्होंने क्या किया, पुराना जो थंडरबर्ड है 2012 वर्जन, उनका ये एंगल है ये 2 वाला, ये सिर्फ 2 पॉइंट में एंगल सपोर्ट देता है, ये टूटता नहीं है। तो अभी ये चलता है मेरा, अभी भी चल रहा है, लगभग 2.5 साल से चल रहा है मेरा। तो नेक्स्ट है क्लच केबल इशू। ये हर कोई मॉडल में होता है, यूसी इंजन में, इनफील्ड में, क्योंकि दूसरे कंपेयर टू अदर बाइक्स इनफील्ड का जो क्लच है वो थोड़ा हार्ड होता है फील्ड में, तो ये क्लच का इशू आता है। यहाँ पे क्लच यहाँ से नहीं कटता है, यहाँ से बिल्कुल ओके रहता है, क्लच में कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है यहाँ से, ये वाला जो पार्ट है इस अंदर से, ये वायर है ये अंदर में, ये वायर कट जाता है, तो ये इशू है। तो मैं 2 बार सफ़र कर चुका हूँ, क्योंकि बीच रास्ते में 2 बार कट चुका है मेरा। तो मैंने अभी ईयर 6 महीने में एक बार मैं क्लच केबल चेंज करवा लेता हूँ, ज़्यादा चार्ज नहीं लगता, 100 रुपये लगता है, 100 या 110 रुपये लगता है, तो उतना ज़्यादा हर्ट नहीं करता है। वो है एक इशू, क्लच केबल का इशू इससे सॉल्व हो सकता है, क्योंकि आप 6 महीने में चेंज करते रहिए, आपका क्लच का केबल का कटने का इशू नहीं रहेगा।
नेक्स्ट इशू मैंने जो फेस किया, मैं सॉरी ये मैंने नहीं फेस किया बट बहुत सारे थंडरबर्ड के ओनर्स फेस करते हैं, मैंने देखा है इसलिए मैं आपको पहले से बोल देता हूँ, इंक्लूड कर दिया मैंने वीडियो में, वो है कि ये जो नट है एक्सेल का या जो भी हो, ये जो नट है ये वाला, बहुत सारे गाड़ियों में ये वाला नट ये साइलेंसर से टच करता है, तो ये एक इशू है सब में, यहाँ पे स्पॉट हो जाता है, यहाँ पे एक छोटा सा हो मतलब एक खड्डा हो जाता है यहाँ पे, तो इससे आप कैसे ठीक कर सकते हो वो है कि अगर आप वर्कशॉप विज़िट करोगे तो मैकेनिक यहाँ पे एक लोहे का सलिया घुसा के ऐसे प्रेशर देगा तो ये थोड़ा यहाँ से गैप हो जाएगा, तो ये इसका सलूशन है, इससे और दूसरा कोई सलूशन नहीं है इसका। बहुत सारे गाड़ी में नॉट ओनली क्लासिक, नॉट ओनली थंडरबर्ड, क्लासिक में भी होता है, तो अगर ये इशू होता है तो वर्कशॉप को कॉन्टैक्ट कीजिए, मैकेनिक को दिखाइए, वो सलिया घुसा के ऐसे प्रेशर दे के ये एंगल थोड़ा इस साइड भी कर देगा, ये है इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट इशू है यहाँ पे फ्रंट में, रियर में भी होता है ये मैं आपको बताऊँगा अभी। नेक्स्ट पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट से, बहुत कंप्लेंट करते हैं कस्टमर, कंप्लेंट करते हैं कि भाई मेरा बाइक चलने के टाइम पे एक साउंड हो रहा है सामने डिस्क ब्रेक से ये वो, तो बेसिकली डिस्क ब्रेक से साउंड नहीं होता है, साउंड होता है इस वजह से कि ये जो पार्ट है, अब पता नहीं जूम होगा कि नहीं, ये जो पार्ट है ये प्लेट और ये कैलिपर से टच होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे यहाँ से साउंड आता है, तो इसको कैसे अवॉइड कर सकते हो वो है, इसका एक ही सलूशन है, वो है कि कैलिपर के ठीक इस जगह पे, कैलिपर में ये जहाँ से फोर्क से कैलिपर कनेक्ट होता है, इस जगह पे एक वॉशर, यहाँ पे एक वॉशर और नीचे यहाँ पे एक वॉशर लगाने से ये इशू सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, वॉशर लगाने से कैलिपर थोड़ा उस साइड चला जाएगा तो गैप मेंटेन रहेगा, तो ये गया फ्रंट डिस्क ब्रेक नॉइस का इशू का सोल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम इशू आता है सब गाड़ी में लगभग आते हैं, वो है जैसे मैंने फ्रंट में भी बताया, फ्रंट में वो टच होता है यहाँ पे, पीछे में भी सेम होता है, यहाँ से टच होता है ये इस जगह पे प्लेट और कैलिपर से, यहाँ पे वॉशर दिया हुआ है, या जिसे देख सकते हो यहाँ पे वॉशर है ऑलरेडी, तो मैकेनिक लोग क्या करते हैं, ये अंदर का पार्ट जो है जहाँ से मैं अंदर के साइड में वो वाला उस जगह पे, इस जगह पे जहाँ से फॉर्क का जो ये पीछे का जो शॉकर है, इस जगह पे जहाँ पे कैलिपर कनेक्ट होता है रॉड से मतलब स्विंग आर्म से, इस जगह पे वो लोग एक दूसरा वॉशर डाल देते हैं, वही सेम कैलिपर थोड़ा उस साइड चला जाता है, तो यहाँ पे जो गैप है वो मेंटेन रहता है, तो ये है पीछे का सोल्यूशन। सो गाइज नेक्स्ट प्रॉब्लम इन थंडरबर्ड, इन एवरी थंडरबर्ड, नॉट ओनली स्टैंडर्ड बट ऑल्सो एक्स में प्रॉब्लम आता है, वो है लेग गार्ड। तो इवेंचुअली नॉर्मली जो लेग गार्ड होते हैं बाहर के, जो लोग लोकल आफ्टर मार्केट लेग गार्ड लगाते हैं एक्सेप्ट कंपनी के जो ऑफरिंग्स है, उनमें एक प्रॉब्लम होता है स्पेशली थंडरबर्ड में ही होता है, क्लासिक में नहीं होता है, वो है कि ये जो पार्ट है, ये मेरा सब डिटेल में बोलता हूँ आपको, मेरा जो पहले वाला गार्ड था वो जो होता है ना बटरफ्लाई जो गार्ड होता है थंडरबर्ड के लिए, वो मैक्सिमम इस जगह पे होते हैं, तो और कुछ कुछ गार्ड ऐसे इस पोर्शन में एक राउंड एज होता है, तो थंडरबर्ड में ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि जब थंडरबर्ड गाड़ी अप डाउन होता है, शॉकर अप डाउन होता है, तो इस पार्ट से ये वाला पार्ट टकराता है, जिससे ये वाला पार्ट ऐसा अंदर दब जाता है, तो बहुत सारे लोग इसको कंप्लेन करते हैं, बट फॉल्ट सर आपका है, क्योंकि दूसरा लेग गार्ड मिलता है थंडरबर्ड के लिए, और वो कस्टमर का फॉल्ट है, लोकल शॉप का, वो शॉप या सर्विस सेंटर का फॉल्ट नहीं है कि उन्होंने आपको ऐसे चिपका दिया, क्योंकि वो पहले से ही बोल देते हैं कि थंडरबर्ड का लेग गार्ड मतलब दूसरे टाइप का आता है, तो दूसरा टाइप क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको, वो है कि ये जो लेग गार्ड है मेरा, ये कंपनी का दिया हुआ है, और नॉर्मली लेग गार्ड इस लेवल पे आता है, बट कंपनी का ये स्पेशली थंडरबर्ड के लिए बनाया है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट देख सकते हो आप, ये जो एक्सटेंशन है यहाँ से, ये ड्यू टू ये मड गार्ड के लिए दिया हुआ है, ताकि अगर जब गाड़ी यहाँ से अप डाउन होगा तो मड गार्ड इसी जगह आके रुक जाएगा, टच नहीं होगा, तो इसलिए ये वाला जो पोर्शन है, ये जो रॉड है, वो यहाँ देने के बजाय इतना ऊपर उठा दिया कंपनी ने, तो ये स्पेशली थंडरबर्ड के लिए लेग गार्ड बनाया हुआ है। ये आपको 2300 रुपये में मिलेगा हर किसी डीलर से, ये डीलर पे ही मिलता है, बाहर नहीं मिलता है, तो ये चीज़ आप गौर करोगे कि आप लेग गार्ड ठीक से चूज़ करें।
नेक्स्ट इशू मैंने जो फेस किया मेरे बाइक में विद इन 3 or 4 months, अभी भी थोड़ा थोड़ा होता है, अभी यहाँ पे जो स्टार्टर मोटर है इस पोर्शन से आप देख सकते हो शायद, हाँ ये जो पोर्शन है ये पोर्शन से ऑयल लीक होता है स्टार्टर मोटर से। फिर मेरा जो मैकेनिक है वो स्टार्टर मोटर खोल के यहाँ से बॉन्ड सब लगा के ठीक ठाक करके उन्होंने दिया, बट अभी भी थोड़ा बहुत है, अभी देख सकते हो थोड़ा बहुत लीकेज नहीं है। अगर आप सोचते हो ये लीकेज है, सॉरी ये लीकेज नहीं है, लीकेज एकदम होता है जैसे पूरा ऑयल से भीगा हुआ होता है एकदम फ्रेश ऑयल, वो है लीकेज। और ये जो है अभी ये है सीपेज, मतलब सीप मतलब थोड़ा बहुत वो बोलते हैं ना जैसे हम लोग स्वेट करते हैं, जैसे हमें पसीना पसीना आता है, ये उसी टाइप का है। तो ये लीकेज नहीं है, थोड़ा सीपेज होता है, तो ये चलता है, उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। लीकेज वो है जो आप कुछ कुछ गाड़ियों में देखेंगे, ये सब एकदम पूरा ऑयल ऑयल हुआ है, एकदम फ्रेश ऑयल लगता है, ये जैसे सूख गया है ऐसा, ये है सीपेज। अगर एकदम फ्रेश ऑयल है वो है लीकेज, एकदम प्रोमिनेंट ऑयल वो है लीकेज। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे तो अच्छा, आशा करता हूँ ये आपको हेल्प करेगा समझने में कौन लीकेज है कौन सीपेज है। और स्टार्टर मोटर से थोड़ा बहुत लीकेज होता है, सीपेज होता है, तो बॉन्ड से बॉन्ड देने से थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है। नेक्स्ट इशू मैंने जो पर्सनली फेस किया है, बहुत सारे लोग फेस करते होंगे, ये थंडरबर्ड में भी हो सकता है, हिमालयन में भी हो सकता है, वो है कि ये जो इग्निशन का जो पार्ट है, ये जो पार्ट है वो हिलता है। अभी टाइट है मेरा, बट मेरा पहले वाला हिलता था, जब मैं ना गाड़ी खरीदा था मैंने, ये हिलता था, ऐसे हिलता था। बहुत सारे लोगों का ऐसे इस साइड में आता है, कहीं उस साइड चला जाता है, तो किसी का तो एकदम नीचे चला जाता है, घुस जाता है अंदर। तो ये इशू का ये कोई चेंज नहीं करना पड़ता है, एक जस्ट एक बोल्ट टाइट करना पड़ता है आपको, सिर्फ हेडलाइट खुलवाना पड़ेगा और यहाँ पे नीचे से यहाँ पे एक बोल्ट होता है, मेनली एलन की बोल्ट होता है, यहाँ से आपको फिक्स करना पड़ेगा जिससे आपका ये टाइट हो जाएगा। मैंने एक बार ही टाइट किया हुआ है तो तब से एज इट इज़ है, प्रॉब्लम मतलब सेकेंड टाइम ये इशू नहीं मुझे नहीं फेस करना पड़ा। तो ये है स्टार्टर मतलब इग्निशन की का एक इशू है, तो मैंने आपको बोल दिया, आशा करता हूँ समझ जाएंगे, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। और दूसरा मतलब एक ये है कि मेजर लोग इशू सोचते हैं, बट ऑनेस्टली बोलूँ ये इशू नहीं है थंडरबर्ड का, कोई भी ले लो, वो है कि थंडरबर्ड को जब भी आप गड्ढों से चलाते हो तो फ्रंट एंड से एक साउंड आता है खट खट करके। वो दोस्तों वो कोई बॉल का इशू नहीं है, कौन सेट का इशू नहीं है, ये टोटली एक मैन्युफैक्चरिंग एक सिस्टम है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं कह सकते, मैन्युफैक्चरिंग एक क्या कह सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग बाई बर्थ एक ये एक छोटा सा एक इशू, हाँ ठीक है जो भी बोलो, ये साउंड होता है, इसको आप दूर नहीं कर सकते, हर बाइक में आता है थंडरबर्ड में, जब भी आप गड्ढों से या पॉट होल से चलाते हो एक साउंड होता है खट खट करके, तो वो साउंड रहेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अगर कोई सोच रहा है कि फॉल्ट है ये इशू है, तो ये इशू नहीं है, ये रहेगा हमेशा, आपको ये जस्ट एक यूज़ टू हो गया, मुझे एक जैसे यूज़ टू हो गया, तो चलते चलते आदत से हो जाता है, तो ये एक जस्ट आदत बना लो, आदत डाल लो ये साउंड का, इससे कोई सोल्यूशन नहीं है। और नेक्स्ट वो गनमेटल में भी कह सकते हो, क्लासिक में भी कह सकते हो, थंडरबर्ड में ज़्यादा होता है, तो मेरे साथ हुआ है एक बार, तो मैंने आपको बोल दिया वही वीडियो में, वो है कि ये साइड स्टैंड प्लेट है ये टेढ़ा हो जाता है। क्योंकि आप अगर आप ज़्यादातर टाइम आप बाइक साइड स्टैंड पर रखते हो तो जो विफ्ट पड़ता है लेफ्ट साइड में उससे ये प्लेट ऐसे रहता है, पहले ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ऐसा हो जाता है, जिससे और एक डैमेज होता है वो है साइड स्टैंड। अभी ये प्लेट ओके है तो अभी साइड स्टैंड का ये पोर्शन टच हो रहा है, कॉन्टैक्ट में आ रहा है ज़मीन से, जैसे ये प्लेट ऐसे हो जाएगा बेंड हो जाएगा तो उस टाइम पे इस जगह पे कॉन्टैक्ट होने के बजाय इस साइड पे कॉन्टैक्ट होने से ये ऑलरेडी ये साइड स्टैंड हॉलो पाइप है, तो उससे ये होता है कि उस साइड का जो सरफेस है वो खा जाता है, मतलब वो रस्ट होता है ना एकदम क्या कह सकते हो एकदम घिस घिस के वो एकदम बेंड हो जाता है, फिर साइड स्टैंड भी टूट जाता है, तो ये आपको ख्याल करवाना पड़ेगा। और ये साइड स्टैंड आता है 150 रुपये का लगभग, हाँ साइड स्टैंड का 150 रुपये, 180 रुपये प्राइस है, और वो जो प्लेट है उसका लगभग 400 रुपीज़ का प्राइस है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका बाइक ज़्यादा बेंड ना हो, अगर बेंड भी हुआ तो पहले से ही चेंज करवा लो। और गाइस अभी नेक्स्ट ये इशू है, थोड़ा बहुत कुछ लोग एग्री करेंगे बट कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे मानता हूँ मैं, वो है ये जो रियर शॉकर है, ये जो ऑयल यहाँ पे जो सील होता है ये कट जाता है, यहाँ से ऑयल लीक होना शुरू हो जाता है, इसको अवॉइड कर, ये होता ड्यू टू ज़्यादा लोड लेने से होता है, या मैक्सिमम अगर आप ट्रिपलिंग करते हो बाइक में उस वो भी एक रीज़न है इस ऑयल सील कटने का, क्योंकि उतना कैपेसिटी नहीं होता है जितना आप वो लोड देते हो बाइक में, वो कैपेसिटी एक्सीड कर जाता है।
तो मेन मतलब मेन मुद्दा ये है कि आप डबलिंग मतलब पिलियन हो, एक पिलियन हो ठीक है, ट्रिपलिंग मत करो। ट्रिपलिंग करने से रियर शॉकर का जो ये ऑयल सील है कटने का चांस ज़्यादा है। और दूसरा होता है कि ये जो रॉड है ये कुछ कुछ टाइम पे ऐसा स्टेट है तो विद रॉड स्टेट है, ज़्यादा लोड पड़ने से ये थोड़ा थोड़ा करके टेढ़ा हो जाता है। तो उससे होता है ये है कि ये जो पार्ट है जब आप डबल कैरी करते हो, जब ये कट जाता है डबल कैरी करते हो, तो ये वाला पार्ट टायर से टच होता है, जिससे आप दोनों का डैमेज है। ये वाला डैमेज होगा, टायर का जो ग्रिप है यहाँ पे वो भी डैमेज होगा। तो बेटर आप एक ही पिलियन राइड करो और ट्रिपलिंग ना करो। और एक लास्ट इशू जो मैं हर एक थंडरबर्ड के ओनर को बोलना चाहता हूँ, वो है कि थंडरबर्ड का जो फ्रंट फोर्क है वो क्लासिक से बहुत मतलब क्लासिक से थोड़ा ज़्यादा मोटा है। तो इससे होता है ये है कि ये इसका जो फोर्क ऑयल का जो मतलब घिसने का जो रेट होता है बहुत ज़्यादा होता है दूसरे बाइक से। और अगर आप गौर करोगे क्लासिक से थंडरबर्ड बहुत कंफर्टेबल है इन फ्रंट शॉकर, ड्यू टू क्लासिक में 35mm का शॉकर आता है, थंडरबर्ड में 41mm का शॉकर आता है, जिससे ये होता है कि ये जो डैम्पिंग अच्छा करता है, इसका ट्रैवल भी ज़्यादा है क्लासिक से। तो वो होता ये है कि मैंने खुद गलती किया इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने पहले ऑयल सील का जो फॉर्कल होता है उसको जो चेंज करवाना पड़ता है वो आइडिया मैंने था मुझमें था ही नहीं, मैं समझ नहीं पाता था कि फॉर्कल भी चेंज करना पड़ता है, जिससे मेरा ऑयल सील कट चुका है 2 बार। तो मैंने अभी हर साल 1 बार, इसी महीने में सर्विस है इस गाड़ी का, हर साल में 1 बार मैं इसका फ्रंट फॉर्क ऑयल दोनों का और दोनों का ऑयल सील मैं चेंज करवा लेता हूँ। फॉर्क ऑयल का एक डब्बा आता है 180 रुपये का, मतलब यहाँ पे दोनों 2 बोतल लेंगे आपको यहाँ पे 350 या 360 रुपये का आता है, और इसका एक ऑयल सील 315 रुपये का आता है। तो 315, 630 और मतलब 1000 रुपये यहाँ पे आपका जाएंगे। तो ये मस्ट, नहीं तो मतलब कुछ दिनों में के बाद ये कट जाता है। तो बेटर आप साल में एक बार फॉर्क ऑयल या ऑयल सील चेंज करवा लो। ये सिर्फ आपके बाइक को अच्छा रखने का एक छोटा सा एक टिप है, मैं ऐसा करता हूँ, मुझे उतना इशू नहीं फेस करना पड़ा अभी, लास्ट टाइम से अभी अच्छा चल रहा है, क्योंकि मैं साल में एक बार मैं ऑयल सील फॉर्क ऑयल दोनों चेंज करवा लेता हूँ। तो ये अभी नेक्स्ट जो इशू है मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर आप बेंड को खोलते हो तो अगर आप बेंड को खोल के फिर लगाते हो तो आप कुछ लोग गौर कर रहे होगे कि यहाँ पे एक से एक साउंड आता है, एयर लीकेज का साउंड आता है एक से एक फट 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 करके। तो फ्रेंड्स वो कोई इसका कोई इशू नहीं है, इसके अंदर एक गैस्केट होता है कॉपर का, उस वो अगर आप एक बार भी खोलते हो वो कट जाता है। तो वो अगर आप खोल देते हो तो आपको नया लगवाना पड़ता है, उसका प्राइस ज़्यादा नहीं है, 28 रुपये या 30 रुपये का प्राइस है। तो बेटर है अगर आप बेंड खोल रहे हो तो लगाने से पहले वो गैस्केट चेंज करवा लो। ये गया इस पार्ट में। सेकंड, बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट किया है यहाँ से इस जॉइंट से एयर लीकेज होता है नीचे से ऊपर से, तो इसका भी एक तोड़ है। वो है कि जो होता है ना लूप का जो कैन होता है इस पार्ट का, जो एयर लीकिंग का इशू है उसका एक तोड़ है, वो है कि जो लूप का या क्लीनर का जो कैन होता है अगर वो ख़त्म हो जाए, उसको काट के उसका जो बाहर का जो लेयर है उसको काट के ये पोर्शन से पूरा एक क्या कह सकते हो एक कवर जैसा दिया अंदर में घुसा जाता है, उसके बाद इसको इंसर्ट किया जाता है जिससे वो एयर लीकेज बंद हो जाता है। तो अगर आप कंपनी में या किसी भी शॉप में इसका सलूशन ढूंढने जाओगे वो लोग यही करेंगे, कोई कैन का जो कटिंग होता है उसको इस पार्ट में लगा के वो लीकेज सॉल्व कर देंगे। तो मेरा भी ऐसा किया था लास्ट टाइम और काम करता है, ये फेल नहीं करता, काम करता है, लगा लो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई मतलब अगर कोई लोग डरते हैं कि आग लगने का एक होता है ना एक छोटा सा डर तो रहता है ना ऐसे कुछ इस पार्ट में अगर घुसा दिया जाए, बट ऐसा कोई डरने की बात नहीं है, बहुत मतलब सर्टिफाइड जुगाड़ है, इसको मैं सलूशन नहीं बोलूँगा, एक सर्टिफाइड जुगाड़ है, तो ये आप कर सकते हो, उसमें कोई डरने की कोई बात नहीं है। सो गाइस वीडियो तो हो गया, बट अभी लास्ट सबसे लास्ट जो काम है सभी करते हैं तो वाई नॉट मी, तो इसका सुनते हैं एग्जॉस्ट साउंड, मेरा बाइक कैसा साउंड करता है 3 साल बाद आफ्टर 16,000 नियर अबाउट 17,000 हो रहा है। तो चलिए इसका साउंड सुनते हैं, एग्जॉस्ट साउंड प्लस जो इंजन का साउंड है सुनते हैं। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो
तो ये जो वीडियो मैं बनाया है आपको दिखाया, जो पॉइंट्स आपको दिखाया मेंशन किया वीडियो में, वो सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने इस बाइक में फेस किए हैं और ये कॉमन प्रॉब्लम्स है, ये कोई स्पेशल प्रॉब्लम्स नहीं है कि मेरा गाड़ी में ऐसा हुआ। 95% गाड़ियों में ये प्रॉब्लम्स कॉमन है, तो मैंने उनका सलूशन बताया है। और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया, प्लीज़ कमेंट में मेंशन करो, मैं उसका क्या कह सकते हैं, उसका सलूशन मैं ढूंढ के आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा ज़रूर। और मैं एक छोटा सा मैसेज आपको देना चाहता हूँ, जो लोग ये गाड़ी खरीद के रखे हैं उनके पास है और जो लोग खरीदना चाहते हैं, कि भाई जितना आप बाइक को स्टॉक कंडीशन में रखोगे उतना इशू बाइक में कम होगा, ज़्यादा मॉडिफिकेशन करोगे तो उतना ज़्यादा इशू आएगा। तो जो है जैसा है उसको वैसा रखो, क्योंकि कंपनी ने करोड़ रुपए खर्च करके बाइक बनाया है, डिज़ाइनर को हायर करके बनाया है, उस पे लोकल मैकेनिक का मतलब क्या कह सकते हो, लोकल मैकेनिक का जो खुद का दिमाग है उनको प्रेफर मत करो, जो है जैसा है उसको वैसा रखने दो, क्योंकि लोकल मैकेनिक उतना क्वालिफाइड नहीं है। अगर क्वालिफाइड होते तो वो लोकल शॉप के बजाय कंपनी में काम कर रहे होते, ठीक है। तो ये जस्ट एक मेरा आइडिया है, मेरा परसेप्शन है, और मैंने देखा है जो लोग मॉडिफिकेशन कर रहे हैं मेरे जान पहचान में, वो लोग सफ़र कर रहे हैं। मैंने स्टॉक रखा है मेरा बाइक में, कंपेयर टू देम इशू बहुत कम है। तो ऑब्वियसली लास्ट में वही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।